मथुरा के 18 बच्चे, जो जहाँ यू उत्तर प्रदेश के जो 18 बच्चे हैं उसमें 12 मथुरा से। ये क्वालिफाइंग स्कोर जो सेट करती है आरसीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। खेल से जुड़े हुए क्या कुछ कहेंगे इसे? ये तो खेलों खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। एक तो तीरंदाजी खेल, ऊपर से मथुरा, मथुरा में भी गोवर्धन, तो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे महिला अर्जुन का तलाश किया जा रहा है, इसको ये हम कह सकते हैं। आरसीबी एसोसिएशन इंडिया के ट्रेजरर जनरल सेक्रेटरी चंद्रकर, मिस्टर चंद्रकर जी हैं, प्रमोद चंद्रकर, और हमारे उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर अजय गुप्ता जी, वो रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट खेल प्राधिकरण खेलो इंडिया स्कीम के तहत वो लोग इस आयोजन को कर रहे हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश भारतीय तीरंदाजी संघ और उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ सह प्रायोजक के रूप में भाग ले रहे हैं, और हमारे इसमें जो आर्थिक सहायता कर रहे हैं वो मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल, इनका सहयोग से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी का समय उन्होंने ले लिया है, उनका टाइम फिक्स इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आज रात को ही होना है, क्योंकि उनकी गुजरात में मीटिंग है, उनको साइड करके वो जरूर आएंगे, क्योंकि सेंटर खेल मिनिस्टर ये ओपनिंग टाइम है। ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला है, फोर्थ होगा फिर फोर्थ, फर्स्ट हुआ है जमशेदपुर टाटा एकेडमी, टाटा ने कराया था, सेकंड हुआ अमरावती महाराष्ट्र, थर्ड उत्तर प्रदेश हो रहा है, अगला इम्फाल में है, उसके अगला शायद गुजरात। ये तृतीय खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है, और तीरंदाजी खेल का ये तीसरा संस्करण है वुमेन एनआरटी का। इसमें लगभग 21 प्रदेशों से 330 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जो कि भारत के श्रेष्ठ स्कोरर हैं, जो अच्छे स्कोर, एक जो ऑल इंडिया जो हमारा आर्चरी फेडरेशन है उसने जो स्कोर डिसाइड किया है उससे ऊपर मारने वाले बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे। इसमें 26 तारीख को सभी खिलाड़ी आ जाएंगे, 27 तारीख हमारे 8 बजे से हम लोग टूर्नामेंट स्टार्ट कर देंगे, और 28 तारीख की शाम 5 बजे तक ये चलेगा, और जो मेडल सेरेमनी है वो 28 तारीख की 5 बजे होगी। इसमें इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये टॉप प्लेयर्स का टूर्नामेंट है, इसलिए ऑब्वियसली इंडिया के जो टॉप वुमेन प्लेयर हैं जिसमें ओलंपियन भी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, जो हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट हैं, ज्योति सुरेखा एक नाम बहुत फेमस कंपाउंड प्लेयर हैं, वो आ रही हैं, तो इंडिया के टॉप जो सेलिब्रिटी हैं तीरंदाजी खेल की वो सभी यहाँ पे। प्रमुख हस्तियों के रूप में हमारे एक तो खेल मंत्री अनुराग जी का कार्यक्रम है, वो स्वयं खेल मंत्री हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थान स्थान पर वो अपने कार्यक्रमों को लगाते हैं, जाते रहते हैं। हेमा मालिनी जी रहेंगी, हमारे स्पोर्ट्स जो तीरंदाजी ऑल इंडिया के फेडरेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो रहेंगे, ट्रेजरर रहेंगे, हमारे स्टेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट वो रहेंगे, जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं रिलायंस और इंडियन ऑयल, उनके अधिकारी भी रहेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा बड़ी लाइन गेस्ट की है जो कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आएगी। सर जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पे थर्ड खेला जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे खेलेंगे? फर्स्ट को जाना वो ऐसे करके इसका प्रारूप ये रहेगा कि दोनों स्कोरिंग होंगी शुरुआत में, सीनियर की, जूनियर की और सब जूनियर की, उन दोनों स्कोरिंग के बाद अब तो हमारे लेंगे फाइनली वो कल शाम तक हमारे पास, परसों शाम तक हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2-3 बजे तक आ जाएगा, तो वो हम आपको तुरंत से ग्रुप पे डाल देंगे कि आज फर्स्ट रैंक पे कौन रहा, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेयर है, ज्योति सुरेख 3 बजे तक 2 बजे तक उस ग्रुप है, एज वाइज ग्रुप है कि कैसे, जैसे अर्जुन अवार्डी है कैसे आज में 17 से कम साल आयु है वो जूनियर, और 21 से कम जूनियर, और 21 से अब कोई